हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन विच वी ऑब्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन। वी ऑब्टेन different type of hydrogen spectrum line according to their wavelength region like as Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fund and Humphrey. These are the scientist name, और जो series का name है वो उन्हीं scientist के name के according given है। तो कौन कौन सी series हुई अपने पास में? Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, फंड एंड हम्फ्री सीरीज। इन सबको अपन ने ऑप्टेन किया था और ऑल सीरीज के लिए जो अपन वेवलेंथ या वेव नंबर का जो कंबाइन फॉर्मूला है वो अपन यहां पर क्या यूज करेंगे? 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू 109677 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला निकल के आता है। दैट इज क्लियर। ये सभी लाइंस के लिए, चाहे वो लाइमन हो या ब्रैकेट हो, पाश्चन हो, कोई सी भी हो, सभी लाइंस के लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे अपने पास में इस तरह की लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे कहेगी 1 से कहां जा रहा है? ये 4 से जा रहा है। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1। N2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 4। क्लियर। इस तरह से वैल्यू रख के अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? न्यू बार दैट इज द वेव नंबर एंड लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ। क्लियर। अब बात आती है आपकी कि आप इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करो। क्या करो बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कई बार क्वेश्चन दे रखा है आपको, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अपन यहां पर फाइंड आउट करें तो उस कंडीशन में अपने पास में जो N2 की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी? इनफाइनाइट। ध्यान रखना, जब भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो उस कंडीशन में N2 की वैल्यू क्या करनी है आपको? इनफाइनाइट। क्या करनी है? इनफाइनाइट। और इन्हीं को अपन कहते हैं लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलेंगे अपन इस कंडीशन में? लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। दैट इज क्लियर। जब N2 की वैल्यू क्या हो अपने पास में? इनफाइनाइट हो, उस कंडीशन में अपन ऑप्टेन होती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्या होती है बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। उसके लिए N2 की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। और इसी को बोलते हैं अपन लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन। क्लियर। अब अपन ने जो सीरीज ऑप्टेन की है, कौन कौन सी सीरीज ऑप्टेन की है? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। इनके लिए रीजन की बात करेंगे, फिर N1 की वैल्यू इनके लिए फिक्स होगी बेटा। इनके लिए N1 की वैल्यू क्या है? फिक्स है। और N2 की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो सकती है। क्लियर। तो उसकी एक टेबुलेशन अपन यहां फॉर्म करते हैं, उसको समझते हैं क्या है। देखिए, तो डिफरेंट जो सीरीज है उनकी टेबुलेशन फॉर्म अपन बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अपने पास में कौन कौन सी सीरीज है। ये सीरियल नंबर कॉलम हो गया, सीरीज आ गई अपने पास में, राइट। फिर अपने पास में क्या आ गया? रीजन है। क्लियर। फिर किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में? N1 की वैल्यू। फिर किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में? N2 की वैल्यू। देखिए, पहली सीरीज कौन सी है बेटा? लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज है? लाइमन सीरीज। रीजन कौन सा है इसका? यूवी रीजन, दैट मींस अल्ट्रावायलेट रीजन। क्लियर। N1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। कितनी होगी आपकी? 1। ये फिक्स है। अगर क्वेश्चन में आपको लाइमन सीरीज दे दे तो वो आपसे इन्हें कहे N1 ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है लाइमन मीन्स N1। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आप
एन टू की वैल्यू क्या हो सकती है, वन से टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, डेड लास्ट तक जा सकता है। सेकेंड है अभी कौन सी, बामर, क्योंकि ये सारा काम किसने किया था, बामर ने किया था। ये किस में था, विजिबल में था, किस में था बेटा, ये विजिबल में। इसके वैल्यू कितनी थी, टू, ये अपने स्टार्टिंग में पिछली क्लास में डिस्कस किया था। टू से अपन कहाँ जा सकते हैं, थ्री लेवल में, फोर लेवल में, फाइव लेवल में, सिक्स लेवल में, डैश इज डैश। थर्ड क्या है अपने पास में, पासन सीरीज, कौन सी सीरीज है, पासन सीरीज। ये किस में आपकी, आई आर रीजन में। एन वन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, थ्री, और एन टू की वैल्यू फोर में, फाइव में, सिक्स में, सेवन में, डैश डैश डैश। यहाँ तक क्लियर है। नंबर फोर सीरीज जो आ रही है अपने पास में वो क्या होगी, ब्रैकेट, कौन सी होगी बेटा, ब्रैकेट सीरीज। ये भी किस में आपकी, आईआर रीजन में। किस में है, आईआर मतलब इंफ्रारेड रीजन। एन वन की वैल्यू कितनी है फिक्स, फोर वैल्यू, और एन टू की फाइव, सिक्स, सेवन, एट, डेस। क्लियर। नंबर फाइव की बात करें तो कौन सी आएगी आपकी, फंड सीरीज, पी साइलेंट होता है बेटा इसमें, फंड सीरीज। तो ये भी कौन सी है अपने पास में, आईआर में। इसके लिए एन वन की वैल्यू कितनी है, फाइव, दैट मीन्स नेक्स्ट आपकी सिक्स में, सेवन में, एट में, नाइन में अपन मूव कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट आपकी सिक्स है, हम प्री न्यू सीरीज है आपकी, हम प्री सीरीज, राइट। ये भी किस में आपकी, आईआर में। इसके लिए एन वन की वैल्यू कितनी होगी, सिक्स, एन टू सेवन, एट, नाइन, टेन, डेस अपन आगे तक जा सकते हैं। This is the tabulation form of different type of series with their region and N1 value and N2 value. N1 value is fixed for all series. Lyman के लिए 1, Bamar के लिए 2, Pashan के लिए 3, Brackett के लिए 4, Fund के लिए 5, Humphrey के लिए 6. Region ध्यान रखना, Lyman, UV, Bamar, Visible and remaining IR, infrared region. That is clear. अब अगर अपन को स्पेक्ट्रल लाइन, किसकी बात करें बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन, ये क्लियर हो गया सबका, ड्रॉप कर दूं। आगे स्पेक्ट्रल लाइन अपन को हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला अपन यूज करेंगे वो देखिए बेटा। यहां पर कहेंगे अपन वेवलेंथ या वेव नंबर फॉर एच लाइक आयंस, एच लाइक आयंस वो क्या होगा, देखिए बेटा ध्यान से, वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू 109677 वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए बेटा फ्रॉम द वेवलेंथ और वेव नंबर फॉर एच लाइक आइंस वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो हीलियम प्लस हो सकता है, लिथियम प्लस टू हो सकता है, बेरिलियम प्लस थ्री हो सकता है। क्लियर, दीज आर द एच लाइक एटम, राइट। तो यहां पर देखिए बेटा वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू न्यू बार 109677 वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर वेयर एज जेड इज न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। क्लियर कर चुके अपन इस चीज को, जेड इज न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। क्लियर बेटा, कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, किसकी बात करेंगे अपन, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देख लीजिए, फर्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, That means distribution of electron and their energies. Distribution of electron and their energies. Clear?
सेकेंड है इसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, डज नॉट एक्सप्लेन कंप्लीट स्टेबिलिटी ऑफ एटम. दीज आर टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. क्लियर बेटा, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी. वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू क्लास.